बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम राफिया जवैद, आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बना रहे हैं बीफ ओझरी। पानी को पहले अच्छी तरह उबाल लें। इसमें नमक ऐड करना है, तो इसमें नमक ऐड करके एक बात का और ध्यान रखें कि ये जो ओझरी धोने का जो प्रोसेस है ये हमने पहले कर लिया है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है और इसको गर्म पानी में पहले उबाल कर फिर धोना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है अच्छी तरह। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए सिर्फ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ओझरी बनाने की रेसिपी। उबलते हुए पानी में डालेंगे तो अच्छी तरह गल जाएगी। प्याज एक अदद और ज़्यादा प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि प्याज जो है ना, प्याज अक्सर लोग ज़्यादा डाल देते हैं मसाला बनाने के लिए, मसाला गाढ़ा हो जाता है, लेकिन प्याज की वजह से ना रेसिपी मीठी हो जाती है, सालन मीठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। कोशिश करें प्याज कम डालें। लहसुन के साथ हरी मिर्च भी, उसको भी अच्छी तरह कूट लें, क्योंकि ताकि सालन में टेस्ट अच्छा बन जाए। थोड़ा कोशिश करें थोड़ा सा ना लहसुन ज़्यादा डालें, इसकी वजह से ना ओझरी में स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें ऐड करते हैं लहसुन और जो सब्ज़ मिर्च कूटी थी। प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, लाल मिर्च रिफाइंड स्वीट, नमक, हल्दी पाउडर, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। अब ऐड करते हैं टमाटर, हवा बहुत ज़्यादा है, मसाला हो चुका है तैयार। अब इसमें ऐड करते हैं ओझरी। ओझरी को पहले गलने के लिए रख दिया था, तो ओझरी गल चुकी है, अब इसमें ऐड करते हैं ओझरी। इसको अच्छी तरह मसाले में भून लें। ओझरी को ये अच्छी तरह से मसाले में भूनना है, जैसे मैं भून रही हूँ। हाँ जी, जो है अब इसमें ऐड करते हैं पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ी देर के लिए इसको भूनते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हरी मिर्च ऐड करते हैं।
अब इसको थोड़ा सा पानी लगाते हैं। अब इसको हल्का सा पानी लगा दिया है, 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखते हैं, ऊपर ढक्कन दे दो, इंशाल्लाह 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओजरी रेसिपी तैयार। अब इसमें ऐड करते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। वीडियो अगर पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करना, ते दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।